आपके एहसासात, आपके जज्बात, और उन्हें बड़े सलीके के साथ अपने कलाम का हिस्सा बनाकर उर्दू दुनिया में बहुत ही सलीके के साथ लहजे एहतजाज में बात करना, ये मोहतरमा लता हया साहिबा का कमाल है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा लता हया। अस्सलाम वालेकुम। ये है हिंदुस्तान। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जब आई तो भाषण चल भी रहा था, और आज क्रिसमस डे है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का भी जन्मदिन है। क्रिसमस डे पर बैन, और एक मुस्लिम की मैयत को उठाने के लिए कब्रिस्तान नहीं दिया उस पर बैन, तो यहाँ से कहती हूँ कि चलो तुम गुलसिता रख लो, चलो तुम गुलसिता रख लो, पर रेगिस्तान मेरा है। चलो तुम गुलसिता रख लो, पर रेगिस्तान मेरा है, तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है। चलो तुम गुलसिता रख लो, पर रेगिस्तान मेरा है, तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है। कहे तुमने कई जुमले, मेरा बस एक ही जुमला। कहे तुमने कई जुमले, मेरा बस एक ही जुमला। जो भारत देश है तेरा, वो हिंदुस्तान मेरा है। क्या कहना, क्या कहना। और ये कहना चाहूंगी कि गुलशन पर तो सबका हक है, भंवरे गुल हो या तितली, और फलक पर बादल बसते, बादल में बूंदे बिजली। क्रिसमस डे पर बैन लगाने वाले इतना बतला दे, क्रिसमस डे पर बैन लगाने वाले इतना बतला दे, जो क्रिसमस डे पर जन्मे हैं क्या वो पहुंचा दे इटली। और मुझे एक नज्म का हुक्म दिया गया था, वक्त कम है, जल्दी से सुना के बस इजाजत चाहूंगी, जल्दी से सुनिएगा। बहुत हो गया, आखिरी मिसरे पर तवज्जो चाहूंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि सुनिएगा। बहुत हो गया, बंद करो अब नफरत का ये खेल, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है ये हिंदुस्तान। सिंहासन पर बैठे हो तो सिंहासन का मान करो, अपने घर के लोगों का ना इस तरह अपमान करो। घर नीयत हो साफ तुम्हारी तो सब कुछ हो सकता है, दिल में कुछ हो और ज़बान पर हो कुछ तो ये धोखा है। गुंडों को धमकाना था तो धमकी ढंग से दी होती, मैं पीएम होती तो ऐसे बात बात पर ना रोती। मैं पीएम होती तो ऐसे बात बात पर ना रोती, मैं पीएम होती तो ऐसे बात बात पर ना रोती। सुनिएगा, सरहद पर जो खड़ा सिपाही। और मैं ये भी कहना चाहूंगी जी, आप लोगों से भी तीन चार मिसरे चाहके इजाजत चाहूंगी कि हम इल्जाम देते हैं अपने सियासतदानों को, लेकिन एक बात कहूंगी कि खुदा की राह पर चलते तो यूं बर्बाद ना होते। क्या कहना, क्या कहना। वाह। अगर फिर कौम ना बटते तो यूं बर्बाद ना होते। खुदा की एक रस्सी को पकड़ कर साथ जो चलते तो शैतान राज ना करते तो यूं बर्बाद ना होते। सभी के एक ही माँ बाप आदम और हव्वा थे, अगर ये धर्म ना बनते तो यूं बर्बाद ना होते। अगर ये धर्म, और आखिरी देखिए सुनेगा, सभी का हक, मैं जल्दी जल्दी सुना के क्योंकि दूसरे शायर सुनेगा कि सभी का हक है दुनिया पे, सभी की है हया दुनिया। सभी का हक है दुनिया पे, सभी की है हया दुनिया। अगर नेता नहीं होते तो यूं बर्बाद ना। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया मोहतरमा लता हया साहिबा।